अगर कैनरा बैंक अकाउंट में आपकी कोई भी एफडी है, फिक्स्ड डिपॉजिट आप किए हुए थे, लेकिन उसका जो ब्याज बनता है आपका जो भी महीने का हो चाहे साल का हो, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो रहा है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इश्यू आ रहा है, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हो। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कॉन्टेंट मैं आप सभी से शेयर करता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो साथियों, अगर आपको ऐसा लगता है कि फिक्स डिपॉजिट का जो ब्याज है यानी जो इंटरेस्ट रेट है वो मुझे बिल्कुल सही सही नहीं मिल रहा है, जितने इंटरेस्ट रेट पे मैंने अपना पैसा जमा किया हुआ था, फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी की हुई थी, उसका मुझे इंटरेस्ट प्रॉपर नहीं मिल रहा है जितना मुझे मिलना चाहिए था, जितना परसेंटेज आपको इंटरेस्ट मिलना था आपको उतना नहीं मिल रहा है, तो आप कैसे बहुत प्रॉपर तरीके से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे मेंशन कर सकते हो और यहाँ पे आसानी से अपना सॉल्यूशन ले सकते हो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप जब भी किसी भी बैंक ब्रांच में खाता खुलवाते हो तो आप एफडी फिक्स डिपॉजिट करवाते ही करवाते हो। भाई, अगर आप अपने सुनहरे भविष्य की कामना करते हो तो आप एफडी जरूर करवाते हो। एफडी में क्या होता है कि भाई आपकी हर एक अमाउंट की अपना एक इंटरेस्ट होता है कि भाई कितना अमाउंट आप फिक्स डिपॉजिट करोगे तो आपको कितना इंटरेस्ट यहाँ पे कितना ब्याज आपको मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई नहीं, यहाँ पे इंटरेस्ट में कुछ गड़बड़ है और मैं कुछ और इंटरेस्ट पे यहाँ पे एफडी किया हुआ था और मुझे कुछ और इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में आपको कैसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेना है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कॉन्टेंट बैंक के रिगार्डिंग जितने भी इशूज होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं आपको अपने इस चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेंगे, ये फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ। ये फॉर्म आपको आपकी बैंक ब्रांच में भी मिल जाएगा और आप चाहो तो इस पर्टिकुलर फॉर्म को अपने गूगल क्रोम ब्राउजर से भी डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले आपको इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। चलिए हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर अब आपको आपका एड्रेस फिल कर देना है जो कि आपकी पासबुक में प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है। टू द ब्रांच मैनेजर, यहाँ पर आपको आपकी ब्रांच का नेम फिल कर देना है जो कि आपकी ब्रांच का नेम दिया हुआ है। ये तो थी हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा और नीचे आते हैं। माय अकाउंट नंबर भी आपकी पासबुक में दिया गया होगा, अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फोन नंबर, मोबाइल नंबर दिया गया होगा बहुत प्रॉपर तरीके से। आपके अकाउंट में जो रजिस्टर्ड है मोबाइल नंबर वही आपको लिख देना है। अगर रजिस्टर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अभी प्रेजेंट में जो इस्तेमाल कर रहे हो वो भी यहाँ पर मैंशन कर सकते हो। कस्टमर आईडी अगर आपके पास है तो फिल करिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको खाली छोड़ सकते हो, ऑप्शनल है। और नीचे आते हैं ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपके पास होगी होगी अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हो, और अगर आपके बैंक अकाउंट से मेल आईडी आपकी लगी हुई है तो वही सेम टू सेम मेल आईडी आपको यहाँ पर लिख देनी है। दोनों में से कोई भी मेल आईडी आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये तो थी हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हम फिल कर चुके हैं। चलिए अब आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे। तो साथियों, प्रॉब्लम यहाँ पे आपको फिक्स डिपॉजिट का कोई भी ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा होगा। चलिए हम लोग आते हैं दूसरे वाले पेज पर। तो यहाँ दूसरे वाले पेज पर जैसे आएंगे तो यहाँ पे आपको आठवें नंबर पर दिख रहा होगा फिक्स डिपॉजिट, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सी वाला ऑप्शन, रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट करेक्टली अप्लाइड, प्रेफरेंशियल रेट नॉट गिवन। मतलब है कि जो पहले से प्रेफर्ड की हुई थी रेट, जो इंटरेस्ट पहले से ब्याज जो प्रेफर्ड किया गया था वो हमें नहीं मिल रहा है, और कुछ और इंटरेस्ट अब बैंक हमें दे रहा है जो कि हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं है, आपका सीधी सी बात है नुकसान है। तो ऐसे में आपको कैसे यहाँ पर टिक कर लेना है, बहुत प्रॉपर तरीके से यहाँ पर टिक कर लेना है। टिक करने के बाद अब आपको थोड़ा सा नीचे की ओर आ जाना है। अगर इसके अलावा आपके साथ कोई और समस्या है तो वो आप मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेट, डेट आपको उसी दिन की फिल करनी है जिस दिन आप ये फॉर्म अपनी बैंक ब्रांच में सबमिट करो। उसके जस्ट बगल में आता है सिग्नेचर, सिग्नेचर आपको वही करने जो कि आपके खाते में लगे हुए हों। बहुत से भाई बंधु हमारे मिस्टेक कर देते हैं, जल्दबाजी में कुछ भी सिग्नेचर कर देंगे, फिर कहेंगे भाई हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको सिग्नेचर वही करने जो कि आपके खाते में लगे हुए हों, सिग्नेचर आपको कर देना है। सिग्नेचर करने के बाद अब यहाँ पर आपको आना है डॉक्यूमेंट पर। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे भाई, डॉक्यूमेंट में आपको आपके पासबुक की फोटोकॉपी लगा लेनी है, एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगा लेनी है, तीनों को अटैच करके आपको आपके बैंक एम्प्लॉय को दे देना और कहना कि सर मेरी जो एफडी का इंटरेस्ट है वो मुझे प्रॉपर नहीं मिल रहा है, प्रेफरेंशियल नहीं मिल रहा है, और पता नहीं अलग ही इंटरेस्ट मुझे दिया जा रहा है। तो यहाँ आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा, या फिर वो बताएंगे कि भाई कोई और नई योजना आई हुई है जिसके तहत आपका इंटरेस्ट बढ़ गया या घट गया, कुछ भी यहाँ पर आपको वो बताएगा, आपको सोल्यूशन देगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट में आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।